वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। कैसे हो सब? होप सो सब ठीक ही होंगे। आज जा रहे हैं कहीं, जिस दिन का मुझे बहुत ज्यादा बेसब्री से इंतजार था, तो वो दिन आज आ गया है। अच्छा जैसे कि हम लोगों ने आपको पहले बताया हुआ है कि हम अपने घर का रिनोवेशन कराने वाले हैं, तो वो आज उसकी मीटिंग के लिए हम लोग जा रहे हैं। तो उन्होंने जो भी बनाया है आज उसको ऐसे हम इस टाइप से देखने जा रहे हैं कि जैसे हमने वो सब करा लिया है न्यू एकदम, तो वो चीज हम देख के आ रहे हैं। व्लॉग आपको कैसे लग रहे हैं एटलीस्ट कमेंट करके बताया तो करो। मुझे पता है आप मुझे बहुत सारा प्यार दे रहे हो, बहुत सारे कमेंट आते हैं कि आप लोग बोलते हो कि मैं अच्छा कर रही हूँ। अच्छा इससे मेरे को एक मोटिवेशन मिलता है, मोटिवेशन देते रहा करो यार। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी होस्ट करती रहूंगी व्लॉग। तो रूबल की ड्यूटीज से देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। पूरा फ्लाईओवर भरा हुआ है, कई किलोमीटर तक जाम। पहले मेरे को देते थे, अच्छा ले तुम वीडियो बना दे, अब मैं दे देती हूँ वापसी, चलो मेरी वीडियो बना दो। गजब बेइज्जती है ना। चलो अब आपने अपना घर देखा ही हुआ है ना, अब हम आपको अपना आपका घर अपनी नजर से दिखाते हैं। प्लानिंग में ना चेंजेस करे हैं, प्लानिंग में हमने चेंजेस क्या करे हैं, हमें एक तो वॉशरूम बड़ा करना था और किचन में भी स्पेस नहीं थी, तो किचन का साइज नहीं बड़ा किया, पर किचन में स्पेस इसलिए नहीं थी क्योंकि फ्रिज आ रहा था। तो हमने अलग से एंटर करते हैं, सबसे पहले नजर उसी पे जाती है। वो मैं बताती हूँ उसको क्या करेंगे, हम फॉल सीलिंग लगा देंगे, फॉल सीलिंग लगा के उसको पैक कर देंगे। मैं भी आपको दिखाती हूँ फॉल सीलिंग लगाया हमने, मेन जो लिविंग रूम है वो डिजाइन किया है। यहाँ पे आपकी यहाँ पे वो पड़ी हुई है डाइनिंग टेबल, डाइनिंग टेबल हटा दी हमने, उसकी जगह पे क्रॉकरी यूनिट दे दिया, बीच में टीवी पैनल आ गया और आपका मंदिर इधर आ गया। पूरा जाली कट में पूरा क्लोज्ड मंदिर है कि जब आप खोलें तो इसको खोल के मंदिर भी बन जाएगा, बंद कर दे तो एक एस्थेटिक आइडिया मतलब अच्छा लगेगा। प्लस आपको स्टोरेज भी दे दी ऊपर इस रूम में है ना, स्टोरेज भी दे दी क्योंकि आपको स्टोरेज चाहिए। ये लकड़ी की बनेगी? हाँ सब लकड़ी का, ये पूरा लकड़ी का बनेगा। भाई एक मुश्किल होगी भाई, फ्लेक्सिबल डाइट तो है पर मेरे को मुश्किल हो रही है डाइट करने में भी। मैं आपके लिए देखो सैलेड लाया हूं, सैलेड आपके लिए हमने सैलेड अरेंज कर लिया। वेरी गुड का थोड़ा सा फ्लेक्सिबल डाइटिंग इसमें भी है पर वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है उसके बाद ये आपका सोफा बिल्कुल स्लीक सा लेंगे, साथ में पूफ्स ले लेंगे। यहाँ पे मिनिमल रखा है ताकि बहुत भरा भरा कमरा नहीं लगेगा। मेरे को तो देख के ना एक्साइटमेंट हो रहा है, जब बन जाएगा तो अरे अभी तो आप वीडियो देखना मजा ही आ जाएगा आपको। नाइशा मोमोज खाती है? पता नहीं। ओहो तेरा सपना पूरा हो गया। आज मैं बोल ही रही थी अभी यहाँ पे एक शॉप है कहीं पे, हम लोग आगे निकल गए थे थोड़ा सा, थोड़ी सी आगे निकल गए, कोने पे शॉप है मोमोज। मैं कह यार मैंने एक बार ही खाए हैं मोमोज, मैं कैसे लगते हैं, मैं को वन टाइम ही खाया तो मेरे को ध्यान भी नहीं रहा कि कैसे। आपने कौन से मोमोज खाए? तो स्टीम दो, स्टीम वाले आई तो कुरकुरे मोमोज है भाई। ये तो टेस्ट करके देखती हूं यार, ये जो भी ये होती है भाई, ओ माय गॉड ये होते हैं। अब आप देखो बीच में स्पेस की बात है, आराम से साफ हो जाता है गीले कपड़े से ना, आराम से क्लीन हो जाता है। आप देख रहे हो कितना स्मूथ सरफेस है ये, चलेंगे इस टाइप का या जो ऐसा लगा हुआ है, ये अच्छा लग रहा है। इसमें भी अलग अलग शेड्स आते हैं भाई, इतना सारा खाना खिलाने के बाद इसे बोल रहा है ये स्नैक्स है, ऐसा कहीं होता है भाई? बस मैं भी बड़ा होने की कोशिश कर रहा हूँ और आपको और बड़ा करने की कोशिश कर रहा हूँ। फ्लेक्सिबल डाइटिंग हमसे जमना होगी, इतनी पास्ता ये साबुदाने की दाल मखनी है और प्लेन रोटी की बटर रोटी है। वाह मैडम घर पे बनाने का इरादा नहीं है यार, मैं तो डाइट करती हूँ ना, तो देखो आज अभी तो मैंने दो दिन तक बर्थडे पे खाया है। वो कह रही है कि मैं आज आ गई, आज की बात नहीं होगी, डर चुकी हूँ मैं इतना खाना देख के। अब चीट वीक हो गया पूरा, कोई दिक्कत नहीं है भाई, मैं डाइट पे आ ही नहीं पा रहा हूँ। आपको डाइट की क्या जरूरत है? मैं आ नहीं पा रहा हूँ सही। देखो अब तो बोल दिया, मैंने बोल दिया, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया, उससे ऊपर नहीं है कोई। कहाँ अच्छी अभी भी टाइट टी शर्ट पहन के बैठे हैं और मेरा तो ड्रीम है कि ऐसा रेशियो हो जाए बस लाइफ अंदर है, बिल्कुल अंदर है यार, फ्लेक्सिबल डाइटिंग से ना हो पाएगा भाई। ये ताऊ जी ने बनाया है शाही पनीर, दाल मखनी और बटर रोटी। बटर रोटी ताऊ जी कैसे आप हमें मोटे करोगे ताऊ जी? मेहमान थोड़ी है, मेहमान फायदा है शादी के, खाना बदल जाता और कुछ जिंदगी में हो ना हो, लेकिन ये खाना टाइम से पहले मिल जाता। मेरे को तो लग रहा है मेरा रोल तो आपके वाला होगा शादी के बाद। क्यों?
वो बिजी आर्किटेक्ट है। कहीं हम जाते हैं फंक्शन में, ये पूरी प्लेट भर के ले आते हैं कि आजा खाना खाते। पूरे टाइम मैं ही तो कर रहा था खाने का। रात के बजा दिया भाई ने एक और पता ही नहीं चला कितना खा गया। पेट देखो कहाँ आ रहा है, पंप आ रहा है अपनी बाइसेप दिखाते हुए। मैं तो लाइफ में पहली बार ऐसे असलियत में बाइसेप देखे, मजा आ गया। कुछ नहीं है यार, आप ज्यादा यंग हो अभी, तो बहुत कुछ करना है आगे। बहुत मजा आया, इतनी सारी बातें करी हमने, एकदम पर्सनल चुगली करी है मैंने तो बहुत सारी। और रिएक्शन वीडियो आने वाली है बहुत जल्दी। नहीं ये सही था, वैसे आज बना सकते हैं। हां बिल्कुल बना सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, बहुत सारा प्यार देने के लिए और घर के लिए तो बहुत स्पेशली निक्की की मेहनत। क्या चाहिए, क्यों आई है मेरे पास? किसने तो मना किया था आपके पास आने के लिए? अरे अच्छा, मैं जोड़ेगी, मैं जोड़ेगी, मैं जोड़ेगी। भाई सारा दिन हो गया, आज तो अष्टमी करी, खाना बनाया, पूजा करी और तो ना तो खाई भी नहीं पूरी। हलवा तेरी मम्मी ने एक नंबर का बनाया था, मैंने खा दो प्लेट। आज मम्मी ने बहुत प्यार में आपके लिए जीरे का पानी उबाल रखा, वो पानी फिनिश हो जाना चाहिए पूरा। रखा भूल गया, इसमें सारा भूल गया। तीन चीज मेरे ध्यान में, धरती में ना आसमान में, बताओ क्या है? कमेंट करो क्या बतावा, हमें तो पता नहीं भाई, ये इस तरह की बात हमारे नहीं नॉलेज में। इस उसमें वो कायनात में है, पर ये तीन चीज नहीं है, पर सोच में है, मन में है और जवान में भी है। चलो भाई गैस करो और बताना कमेंट करके क्या है तीन चीज।